पठानकोट में फिर एक बार दहशत का माहौल फैल गया है। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पिछले दो महीनों में दो तीन बार हो चुका है। पहले बम्याल सेक्टर में दो शक्की व्यक्ति देखे गए, फिर पठानकोट के एयरबेस के पास पड़ते टाकी एरिया में जहां कुछ लोगों ने रात को तीन शक्की लोगों को हथियारों समेत देखा था, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। उसके दो दिन बाद एयरबेस के पास पड़ते मोहल्ला प्रेम नगर में एक पूर्व कैप्टन के घर में किसी ने बैग फेंक दिया था, जिसमें एक पाकिस्तान का नक्शा व कुछ कारतूस मिले थे, जिससे दहशत और भी ज्यादा फैल गई थी। पर इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। अब फिर आज रात पठानकोट के मेन बाजार में पड़ते मोहल्ला राजड़िया में लोगों ने तीन से चार व्यक्ति देखे हैं, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने इस मोहल्ले में सर्च करना शुरू कर दिया, पर इस बार भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। यहाँ ये बात भी सोचने वाली है कि क्या कोई शरारती तत्व सिर्फ लोगों में दहशत फैला रहा है, या फिर सही में कोई किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने में लगा हुआ है। ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये बात तो सही है कि पठानकोट के लोगों की नींद इन दहशतगर्दों ने उड़ा के रखी हुई है, जिसके बारे में मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उन्होंने तीन से चार लोग देखे थे। आज कुछ चार पांच दिनों तो साढ़े एरिए आनंद चाहते लोग हथियार समेत आ रहे थे। असी बच्चों ने मुंडिया ने कहने के उत्ते आपे ही नाके लगाने शुरू किए। कल आप जिस वे बंदे देखे ने उन्हों का पीछा किया, बंदे दौड़ गए ने। उसके बाद तीन बजे रात को जाके थाने कंप्लेन की है, पुलिस आई है। अज भी पुलिस ने कार्रवाई की है। गली के एक मकान है जिथे 20-25 लोग रह रहे हैं। अज पुलिस ने उन्हों की छानबीन की है। कल तक पुलिस का रिजल्ट खुद अपने जिहड़े SHO साहब ने वह भी आए थे। तीन थाने की पुलिस आई सी, सारी इंक्वायरी पुलिस के थले है। अभी पुलिस को सहयोग चाहते हैं कि जिहड़ा दहशतगर्दी का माहौल साडे एरिए बनिया, बच्चे सो नहीं पा रहे रात को, ये आराम नाल अपने घर च सो, पुलिस गश्त वधाई जाए, जिहदे नाल साडा एरिया सुखमय शांति। प्रधान जी, लगता नहीं जिस तरह एयरफोर्स के कोल भी देखे गए थे इस दिग द्वारा बम्याल एरिए भी देखे, उसका उन्होंने तो इन्हें होंगे होने बड़ी। देखो जी, गल ये है कि वह बंदे हाथ च फड़िया हुंदा कोई हथियार, उन्होंने कोठे की साडा कोई उत्तों 30-35 मीटर के उत्ते फासला है, पूरी असी अच्छी तरह नहीं कह सकते कि वह की हथियार है उन्होंने, लेकिन हथियार होंगे उन्होंने। कंवल रंधावा, दिव्या पंजाब TV, पठानकोट।